गुड इवनिंग मेरे भाई। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो आप लोग जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो उन लोगों में मतलब कि वहाँ पे एक नोटिस किया भी गया था कि कल से 17 तारीख से आर एस अग्रवाल का भी बुक पढ़ाया जाएगा। तो वह ऐसा बुक है जो कि हर कंपटीशन में उसी से करीब करीब क्वेश्चन आता है। मैं बता दूं, कोई भी जॉब पाने के लिए जरूरी है बेस स्ट्रॉन्ग करना। अगर जिस व्यक्ति को अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो डायरेक्ट आर एस अग्रवाल की किताब पढ़ने लगता है। वहाँ पे दिया रहता है संख्या, अब उसको पता ही नहीं रहता है कि संख्या क्या होता है भाई, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, उसको किस प्रकार लिखा है। मतलब कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने का जो ये रहेगा, मतलब कि आप बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं 6 से लेकर 12 तक का सारा बुक पढ़िए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिनिक्स। और बस वही चीज रहता है आर एस अग्रवाल का जो बुक है अंक गणित नवीन का जो बुक है ना, उसी में रहता है। तो आपको वीडियोस में वे चैप्टर्स, मतलब चैप्टर में कौन कौन से, मतलब कि जो बुक में उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, वो भी आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। आप उसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और वो भी इस चीज़ मिल जाएगा कि इस बुक से पढ़ने से आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा, मतलब कि कौन कौन सा जॉब में आप जा सकते हैं। तो अधिकतर इसी बुक से पढ़कर जॉब जाते हैं। क्या होता है कि कोई मॉडल टेस्ट ले, मॉडल का पेपर ले लेता है कि चाहे भाई 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा, 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा, 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्या करते हैं कि उसी को रिवीजन करने लगते हैं फिर दोबारा। और ऐसा रिवीजन करने से क्या होता है कि जो मॉडल पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसे कुछ समझ ही ना, तो जो सोचा कि इससे क्वेश्चन ही आता है। लेकिन अगर वही स्ट्रॉन्ग कर लें, उसको मजबूत कर लें, तो कोई भी क्वेश्चन आए उस कहीं भी कैसे हुई हम लोग मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। तो बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। मैं वो बुक दिखाता हूँ जो कि आर एस अग्रवाल का है, ये तो ये जो बुक है ना, इसके ऊपर कवर लगा हुआ, बाकी मीन्स यही है। ये बुक इतना मोटा है, ये देखिए आप मोटा है इसका। तो मैं इसको आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कुछ शायद कौन सा भाई यूज कर रहा आप। तो बस एक ही बुक होता है ये पूरा ऑल इंडिया में, क्या ऑल इंडिया में चलता है, इससे ऑल इंडिया में चलता है कहीं भी, ये सारा बुक है। मतलब कि मैथ स्ट्रॉन्ग, जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इस बुक का लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग को मिल ही जाएगा क्या क्या, और फिर ये किताब स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि हम लोग को बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेस मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। कैसे बेस स्ट्रॉन्ग करें, तो ये है आपका 6 से लेकर 10 तक ये कम्प्लीटली आप लोग पढ़ लें सारा बुक, सोशल साइंस हो, साइंस का हो या फिर मैथ का हो, उसे भी स्ट्रॉन्ग कर ले एक्स्ट्रा। आप 11th 12th का भी मैथ स्ट्रॉन्ग कर लें, साइंस स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब कि 6 से लेकर 10 तक 12 तक ये सब स्ट्रॉन्ग करना सारी बुक जरूरी होता है। जनरल स्टडी भी स्ट्रॉन्ग करना ये सब जरूरी होता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको ये बुक कहाँ मिलेगा भाई, 6 से लेकर 12 तक कहाँ मिलेगा। तो मैं उस ऐप्स का नाम बता दूंगा नीचे, वीडियो का नीचे जो लिंक रहता है उस पर मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग बुक्स का नाम शेयर करूंगा, उसका वेबसाइट नहीं शेयर कर दूंगा, बस बुक का नाम क्या है उसको मैं भेज दूंगा, उसे आप डाउनलोड कीजिएगा। तो उस ऐप्स में 6 से लेकर 1 से लेकर 12 तक का सारा सब्जेक्ट का बुक वहाँ पर उपलब्ध है। आपका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा वहाँ पर, आप लोग नोट्स भी मिल जाएगा, तो वहाँ से उस ऐप्स के थ्रू आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बात होती है अंक गणित का, तो वो भी मैं उसका नाम दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो 11 से 12th और 6 से 10 तक आपको कंप्लीट करना ही है। लेकिन यहाँ आर एस अग्रवाल वही कंप्लीट करना है जिससे बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है बनाना। तो जो आज का टॉपिक है ना कि अंक गणित जो पढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं पहले अंक गणित में जो इनका राइटर है आर एस अग्रवाल, तो ये इन्होंने ये बुक को लिखे हैं आर एस अग्रवाल, इन बुक को लिखे हैं भाई।
तो ये किताब है ना यूजफुल, बहुत अधिक यूजफुल आता है, करीब करीब हर कंपटीशन इसी से पूछता है, गारंटी के साथ। तो आप लोग मॉडल पेपर भी इससे मिला सकते हैं हर कंपटीशन में। अब ये कौन कौन से कंपटीशन होते हैं थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। उपयोग जो होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आरिस अग्रवाल का जो होता है, तो आरिस अग्रवाल का जो बुक होता है गणित, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना आरिस अग्रवाल का बुक, तो इसमें कौन कौन से कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो पहला SSC, ठीक है, तो दूसरा आपका UDC, तीसरा आपका PSC PCS, ठीक है ना। और फिर बैंक में भी आता है भाई, बैंक में बहुत बार पूछा है। पांचवा आपका जाता है CDS, इसमें भी कई बार पूछा है। NDA, खास रूप पर NDA में पूछता है। और फिर 7 में आपका आ जाएगा इनकम टैक्स वाला भी पूछता है, LIC में भी पूछता है। और 8 में आपका प्रशासनिक ऑफिसर जो लोग होते हैं उसमें, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे, अगर या कहूँ तो UPSC नहीं, तो प्रशासनिक सेवा लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो और चीज को आप लोग है ना, प्रशासनिक में भी पूछा जाता है। और मैं देखता हूँ, मैं मुझे बार बार कैमरा देखना पड़ रहा है, वहां पे भी उस टाइम कैमरे देखने के लिए ही पीछे हटना पड़ा। तो प्रशासनिक सेवा में और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जिसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन, पुलिस जो पुलिस वगैरह का भी रहता है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चाहे कोई जरूरी नहीं कि झारखंड पुलिस में पूछता हो या तो फिर बिहार पुलिस या तो यूपी पुलिस या हर कोई भी कंपटीशन में होना, उसमें हर लगभग इससे कम किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो था वो मैंने बता दिया, बेस स्ट्रॉन्ग के लिए 6 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़े भाई, सारा चैप्टर मैथ ही नहीं, हर बुक पढ़ी। और फिर RS अग्रवाल में लगे, तो मैं इसे मिटा दूँ, आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ। और जो RS अग्रवाल का अगला चैप्टर है ना, वो है नंबर ऑफ सिस्टम। तो मैं ये चैप्टर क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ सिस्टम जो कि फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग को पहले पता है, मैंने पहले ही बोल दिया कि बेस स्ट्रॉन्ग किसे गवाई, संख्या पद्धति नंबर ऑफ सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है नंबर ऑफ सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, संख्या तो कह सकते हैं भाई, संख्या तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इसका कोई अंत है तो बता दो, अंत है, ये तो अनंत तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा, जिसका कोई गारंटी नहीं, संख्या बहुत दूर तक जाएगा। मैं बता देता हूँ संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले जो बेसिक नॉलेज है मैं उसे देना चाहता हूँ। तो संख्या का प्रकार कितने होते हैं, तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अनंत हो सकते हैं, बहुत सारे होते हो सकते हैं, क्या इनफिनाइट तक जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही दूर तक आएंगे, बहुत दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो संख्या समझा, पद्धति मतलब होता है सजाना, आपको कहें तो सिस्टम मतलब कि सिस्टम में सजाना है ना, संख्या पद्धति मतलब कोई भी नंबर को उसके सिस्टम है सिस्टम सजाना, पद्धतियां जैसे होते हैं ना श्रेणी ये सब, तो उस तरह करके। अब संख्या मतलब नंबर के कितने प्रकार होते हैं आप लोगों को पता है, संख्या में हिंदी में बात करता हूँ ताकि मतलब हिंदी चल रहे। अब मैंने पहले ही बता चुका था कि जितने भी बुक्स मेरे थ्रू मेरे चैनल पे पढ़ाए जाते हैं वो सारा हिंदी में होगा, इंग्लिश के समय इंग्लिश ही चला जाएगा। तो संख्या, ये तो संख्या है भाई, अब संख्या के प्रकार कितने होते हैं,
पहले हम बेसिक नॉलेज ले सक लेते हैं, फिर हम बताएंगे संख्या के प्रकार। तो फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, इसका मैं डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, विषम संख्या, फोर्थ में आता आपके इधर जो आ जाएगा सम संख्या। कम से कम इतना और भी सा अभाज्य अभाज अभाज्य भाज्य अभाज्य ये सब तो सिंपल समझ में वो भी अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ समझाता हूँ, इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बिकॉज आप लोग 6, 7, 8 इस समय पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या। और फिलहाल में जो बच्चे मैथ लिए हैं पीसीएम ग्रुप से हैं, 11th का मैं बात कर रहा हूँ, 12th में नहीं, तो फिक्स ये सब पढ़ चुके हैं बिकॉज हम एक खुद स्टूडेंट। तो प्राकृतिक संख्या क्या है भाई, तो मैं यहाँ सिर्फ सिस्टम लिख देता हूँ भाई, जो 1 से लेकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सैंबल देख रहे हैं, ये अनंत का सैंबल है, भुला मत जाइएगा, अनंत का सैंबल है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक गया, जो 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से, वह कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक नंबर है। तो अगर इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 1 नंबर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा 1 से अनंत तक जाता है वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। मैं बता दूं कोई भी संख्या हो अगर हुआ तो अनंत तक ही जाएगा, तो यह अनंत तक जाता है। पूर्णांक क्या होगा कि वह संख्या जो 0 से शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना दूर तक जाएगा, क्या और जाएगा, और जाएगा, और अरे अनंत तक जाएगा भाई, इसका कोई अंत ही नहीं है, इतना दूर तक जाएगा पूर्ण संख्या भी, वो भी संख्या बहुत दूर तक जाएगा। पूर्णांक संख्या इसमें भी अनंत तक जाएगा, बस इसमें क्या होता है इंटीजर नंबर, इसको बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो पूर्णांक संख्या मतलब कि इस तरह का लाइन बना रहेगा आपका, और इधर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। मतलब इधर जाएगा नेगेटिव में, इधर जाएगा पॉजिटिव में, इसी को। अब कोई जरूरी नहीं कि 5 से तक जाएगा, आनंद भी हो सकता है बहुत दूर तक जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 इतना दूर चल जाएगा जितना दूर आप गिनिए, बहुत दूर तक। विषम संख्या, तो विषम संख्या कहते कि याद रखिएगा, आप यहाँ नहीं लिख दीजिएगा, इसका ये है, ठीक है ना, मैं विषम संख्या बात करूँ। विषम संख्या मतलब कि जो अपने आप से कटे, किसी अन्य टेबल से कटता ही नहीं हो, ये बात कर रहा हूँ विषम संख्या, मतलब वह संख्या जो अपने आप से विभाजन हो, किसी दूसरे संख्या से विभाजन होता ही नहीं है। जैसे कि विषम संख्या के अंतर्गत 1, 3, 5, 7, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11, 13, 17 ये सब अपने आप से जाएगा, बताइए ये 2 से भी जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, आज सिंपल भाषा में 2 से आप कुछ हो सकते हैं, 2 से जाएगा, नहीं ना जाएगा, लेकिन ये से विषम संख्या कहते हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 9, 12, 13 ये सब विषम संख्या, सम संख्या, क्योंकि ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, ठीक है ना, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। तो विषम संख्या कहते किसे हैं, जो अपने टेबल से खुद कट जाए, किसी अदर टेबल, किसी अदर अंक से नहीं कटता है, वो अपने आप कटता है, अपने आप विभाजित होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। यही सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज मुझे, मैं पहले बेसिक नॉलेज देता हूँ ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो कि आगे पूछ जा भाई 2 अंक का छोटी संख्या लिखो, पता नहीं अंक क्या, छोटी संख्या कैसे लिखूँ, 2 अंक की छोटी संख्या कौन है, पता नहीं, बोलेगा नेचुरल नंबर लिखो 1 से लेकर 10 तक, हम नेचुरल नंबर 1 से होता है कि 0 से होता है पता नहीं चलता है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है पता नहीं चलता, नेचुरल इज इंग्लिश, और प्राकृतिक संख्या का नंबर, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश है नेचुरल नंबर, अगर मैं कहीं नेचुरल नंबर बोल देता हूँ तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, या तो फिर होल नंबर बोल देता हूँ तो वो भी नहीं, इंटीजर नंबर बोल देता हूँ उससे कोई खबर, इवन आपकी प्राइम नंबर बोल देता हूँ, बिकॉज
समझ रहे ना, तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट इज इजी। तो विषम समझ में आ गया, 135 मतलब एक को छोड़ो एक के बाद लिखो, लेकिन हाँ कहीं 7 तो लेंगे सर, 8 ले छोड़ दो, 9 ले लो, नहीं 8 तो 9 क्या होता है ना, 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो अपने आप से कटे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा टेबल जो खुद कटता है अपने आप से, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, नहीं समझ आ रही तो कमेंट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये हो गया विषम संख्या, अब ये हो गया विषम संख्या किसे कहते हैं, सम, विषम ये सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इनफिनाइट अनंत तक जाएगा उसे सम संख्या कहते हैं। बात समझ आ रही ना, कहीं कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कहीं कंफ्यूजन। अब मैं किसे, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, मैं इसे आगे पढ़ाता हूँ तब तक, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। राइट, देखो अब जो अगला टॉपिक है ना, ये तो और नॉलेज लेता हूँ कि और नॉलेज क्या चाहिए मुझे। अगर पूछ दे दो संख्या का एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की क्या सबसे बड़ी संख्या बताइए जल्दी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तो क्या, 9 सर, 9 10 तो है ना, अच्छा 10 है तो फिर 12 क्यों नहीं, 11 भी हो सकता है। सॉलिड देता हूँ, तो क्वेश्चन को पहले आप लोग समझे, मैंने बोला एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या एक अंक की, तो एक है कि नहीं है या नहीं बताइए, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, लेकिन नहीं ले सकते हैं, क्यों लेंगे हम भाई, बात समझ। ये तो दो अंक है ना, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 दो अंक है, तो क्या सर 3 अंक बोल देगा तो क्या हम 100 लिख देंगे, नहीं 100 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 100 तुम लिखते हो तो 101 भी तो 3 अंक का है, इससे तो भी बड़ा हो गया। बात समझ आ रही है, तो क्या कितना लिख दे, 200 लिख दो, तो 200 तुम लिखते हो तो 201 भी तो तुम्हारा बड़ा है ना, तो क्या करिएगा आप इसी सजेशन में, बहुत बड़ा मुश्किल आता है। तो बड़ी मुश्किल नहीं है, जो एक अंक है 9 उसी को लिख देंगे तो 2 अंक 99, अब 100 ला देंगे तो भाई 3 अंक हो गया ना, तो मैं 2 ही अंक पूछ रहा हूँ तो 99 होगा ना, 3 अंक पूछ दिया तो फिर 99 की, तो 4 अंक 99, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 99 का ही प्रयोग किया जाता है, अदर नंबर्स को नहीं यूज कीजिएगा। एक नंबर का सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या है तो 9। ये मैं बेसिक फाउंडेशन दे रहा हूँ बाकी, ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। लेसन तो शुरू होगा ही, आज से नहीं लेकिन कल से, लेकिन फिर होगा, लेकिन बेसिक नॉलेज लेने से बहुत प्रॉफिट होता है। अगर जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या बताएगा, आगे जाकर पूछ देगा कि एक नंबर एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए फटाक मारे, क्या होगा एक अंक की सबसे छोटी, वैसा ही पूछ देगा दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बताइए फटाक से। तो ऐसा ऐसे कंडीशन आता है क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जब बड़ी बता दिए तो छोटी भी इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब बता दिए कि कोई भी नंबर्स को दहाया जाता है, इकाएं दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह करके बहुत सारे, मतलब कि जैसे मैंने लिख दिया 7, ये कितना लिखा बताइए, और कितने अंक है बताइए, तो बोलेंगे सर अंक तो 3 है, दहाओ तो इधर से दहाई देते किधर से, कंफ्यूजन, तो इधर से इकाई दहाई सैकड़ा मीन्स 760 मतलब 768, कहीं कंफ्यूजन आर सेट। तो आप इस तरह का मतलब कितने अंक, 3 अंक 4 अंक अगर बोल दे तो इस तरह हो जाएगा 7684। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब तो हो जाए। तो इस तरह का दहाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काम करता हूँ कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार में सब लिख देता हूँ, आप उसे देख कर नोट कर लीजिएगा। वो बहुत लंबा है तो वीडियो भी लंबी बन सकती है, इससे मुझे बचना भी है ताकि मेरा
टाइम भी बचे। तो मैं पहले नोट कर लेता हूँ तो फिर आप लोग को दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, इस तरह करके और दूर। लेकिन हाँ याद रखिए कि थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पे जो इंडिया का जो संख्या पद्धति है उसमें थोड़ा सा, और वहाँ पे जो अदर स्टेट का, अदर कंट्री का है, जैसे अमेरिका ये सब हो गया, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ लाख नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वहाँ पे। लेकिन बात हो रही है मेरी कंट्री, तो मेरी कंट्री पर चलता हूँ। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब। तो मैं कोई सिंपल सा कोई लिख देता हूँ, कोई अंक लिखता हूँ, सेवन, ये लिख देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो बताइए कितना हुआ। हजार, सात हजार, दहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, बात देखिए, 821 है ना, इकाई, नीचे करोड़ है, वर्ष के, तो हाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जज ला। तो ये मैं अब ये नहीं कि भाई तुम तो अदर सिलेबस चल गए, ऐसी कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट उदाहरण ही लिया हूँ मैं आपका, ये संख्या पद्धति का ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब मैं बता दूँ, 7821 इकाई, दहाई मतलब 20 तो होगा, और फिर इकाई एक, फिर सैकड़ा, फिर 7000। इसी तरह आपको कहीं मिलेगा कोई वर्ड रहेगा, मतलब आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि चलो 7, 8, 3, अब इसको और फिर देता हूँ, सॉरी और भी इजी लेता हूँ, ताकि इजी से इजी लेने से आप लोग को समझ में आता है तो और बेटर है, और इजी लगता है सर इजी नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा हल्का और हर दीजिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप चलो अब बताने इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये समझ आ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कहीं कहीं मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8706 रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहाने में कहीं भी कंफ्यूजन ना चाहिए, याद रखिएगा कि इधर से ही जो भी करना है इधर से, उल्टी नहीं चाहिएगा, इधर से ही चला जाता है, इधर से, अब ऐसा नहीं को भाई तो एरर में गलत दर्शन उतर पाते, तो इधर से ही चलना है, इधर से शुरू नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर से चलना है, इधर से नहीं चलना है, ठीक है, ऐसा नहीं सो यहाँ बोले शुरू जो नंबर उसी पर बोल देता हूँ, नहीं ऐसा करेगा तो आर भी आर आगे भी जा सकता हूँ, आर लिख देता हूँ, अब इस कितना है सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार। मैं देखो बहुत इजी सवाल में समझा रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, मतलब कि सर तो 10,000 है सर, 5,600 ऐसे ऐसे बोल दूँ, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आपका तो हजार यहीं पे आ गया, तो क्या करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी लेना है ना, तो जब इसको भी लेना है तो क्या करो, 5,000 बोल दूँ, तो 5,000 बोल रहे हो तो फिर 5,000 तो यही तुम्हारे 6,000, तो ये कैसे होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा 56,782, आप 5,600, 700 इस तरह नहीं बोल सकते, 56,782, अगर यहाँ रहता तो 6,782, लेकिन यहाँ चल गया तो 56,000, बिकॉज 56,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तो हजार में था, यहाँ गया तो 10,000 के अंतर्गत चल गया, पार चल गया, मतलब कि ये 6-7 हजार की बात नहीं हो रही है, 8-9 हजार की बात नहीं हो रही है, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15, 16, 17, 18, 56,000, इट इज वेरी इक्वल, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो आप लोग कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो चलिए कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं,
और अगले वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और कुछ जो इसके इसको बनाने के कुछ और नियम है उन पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तब तक के लिए लेसन शुरू है। अगले वीडियो में आपको चैप्टर और आगे पहुंच जाएंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था, तो फर्स्ट जो उदाहरण था इस सब का था, इसलिए मैंने ले लिया। और जो अगला चैप्टर चलेगा मैं थोड़ा सा निकटतम और फिर सॉरी स्थानीय मान और फिर जातीय मान बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये है तो बता देता हूँ। आप इसे नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके। हम मिटा दूँ, स्टॉप कर लिए ना। चलिए मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा वो इजी है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ निकटतम मतलब क्या होता है भाई। जैसे 706 का निकट क्या होगा, मतलब कि इसके नजदीक पहुंचना है तुमको। ये इसमें अगर इसको 800 करना तो बताइए कितना जोड़ के आप पूरा पूरी लाना पड़ेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि 700 लिखा जाएगा। अगर ये रहता 798 तो 800 डायरेक्ट लिख देंगे ना, बस में आ रही है। अगर 630 रहता तो आप फिर नीचे आ जाते, 600 लिख दीजिए। अगर आपका 600 कितना रहता, 80 रहता तो 30 ही जाना पड़ रहा है ना, पीछे तो नहीं हटना पड़ेगा, 30 ही दे देंगे भाई, पूरा पूरी 700 कर लेंगे। बात समझ आ रही ना। तो इस प्रकार नहीं समझ आए तो पूछेगा ना, तो फिर आप ही लोग का कंफ्यूजन होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 680 है तो 700 कर देंगे, पीछे का 80 रुपये जो देंगे 20 रुपये आप ले लेंगे ना। मतलब कि 700 बनने इसमें ज़्यादा थोड़ा सा और इधर आ देंगे, 706 तो 700 पूरा पूरी कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता है, 798 तो 800। तो इस तरह करके बनाना निकटतम। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में बात करें तो को मैं अंक लिखता हूँ 6 7 8। भाई ये तो अंक है, इसमें आपको 6 का स्थानीय मान निकालिए, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो बताइए क्या होगा। 7 6 8 7 8 6 तो 6 कितना पर है, इतना पर तो 6 लिखो फटाक में, 3 0 दे दो, आपका ये स्थानीय मान हो क्या, ठीक है। बोलेगा अच्छा आप 526 के मतलब इसका आप में इसमें 5 कम के लिए तो 5 लिखो, उसके बाद कितना करें 3 3 0 दे दो 700। इतना में आपका 8 डबल है, याद रखिएगा। अगर डबल भी दे दे तो वहाँ भी हल किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर 6 दे दिया, 6 का निकाली तो 6 लिखिए फटाक में, 2 0 दिया, 2 0 बैठा दीजिए। कंफ्यूजन हो रहा है कहीं भी क्या, देखो यहाँ पे भी आप देखिए निकटता की जब बात कर रहा हो तो नज़दीक पहुँच रहा हूँ ना, समझ में आ रही है। तो 2 0 है तो 2 0 लिख दिया, यहाँ पे ये था तो यहाँ कर दिया, मतलब 6 लिख दिया, 1 2 3 3 0 बता दिया, तो ये स्थानीय मान था। उम्मीद है समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ जातीय मान। जातीय मान चल रहा हूँ तो जातीय मान में जो चीज का वैल्यू बोलेगा 6 7 8 3 4 बोलेगा 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान होगा आपका 1। 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6। जो अंक पूछेगा ना उसका आंसर वही होगा। 756 पूछ रहा है तो उसमें 5 का जातीय मान पूछ रहा है तो उसका आंसर 5 होगा। मैं यहां लिखता हूं 800, मतलब 8 लिख देता हूं, ठीक है ना। तो 9 का जातीय मान तो 9 होगा, नहीं 8 का तो 8 होगा। तो जो चीज का जातीय मान पूछे जैसे 8 का तो 8 होगा, 9 का पूछे तो इस तरह का जातीय मान आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कहीं भी कंफ्यूजन होता है जो स्थानीय मान जातीय मान समझ में आ गया, तो स्थानीय मान आपको अगर बोलेगा 6 8 7 8 3 तो 8 का बोलेगा तो 8 लिखिए, सॉरी 8 डबल दे रहा हूँ तो काम करता हूँ। 9 का बोल दिया तो 9 लिखिए, जितना भी 0 उतना 0 बैठा दीजिए आप, जितना भी अंक 0 नहीं, जितना भी अंक उतना 0 बैठाना है, 1 2 3 तो 3 0। 6 का 6 लिख दिए, 1 2 3 4। अब जातीय मान में 8 का पूछा तो 8 आंसर हो जाएगा, 6 पूछा तो 6 आंसर हो जाएगा। अगर मैं और अंक लेता हूँ 7 का पूछा तो 7 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं। तो होप की वीडियो अच्छा लगा है। अब मैं अगली वीडियो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट डे के लिए, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका, तो शुरू अभी भी है, ये नहीं कि मैं आउट सिलेबस हूँ, मतलब कि और जो इसके नियम है उनको मैं लोग पढ़ेंगे।
ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, कहीं भी कंफ्यूजन होता है कॉन्टेक्ट करिए, नीचे दिया रहेगा बुक्स का नाम और फिर जो दोनों बुक है उसका नाम दे दूंगा, अभी लिंक शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, बाय। और स्किन पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि स्किन पर आपको फिगर मिल जाएगा दो तीन चीज़ का, तो उसको भी डाउनलोड, मतलब कि जो फिगर मिलेगा दो तीन चीज़ का उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फर्स्ट मिलेगा आपका उसमें जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर का नाम कौन कौन सा लेसन ख़त्म करना है, और फिर सेकंड में आपको मिल जाएगा कौन कौन सी कंपटीशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए, तब तक के लिए बाय।